आज तारीख हो चुकी है 14 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें, 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है मेगा ऑक्शन को लेकर। दरअसल पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिला था। मेगा ऑक्शन में अराउंड 600 खिलाड़ियों पर बोली लगी थी और सभी टीमों ने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्लेयर्स को परचेस करके अब अपने आईपीएल 2022 के एडिशन के नए स्क्वाड यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, नए स्क्वाड बना लिए हैं और सभी टीमों के स्क्वाड तैयार हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब इस साल का मेगा ऑक्शन सक्सेसफुली समाप्त हो चुका है और अब कुछ ही समय बाद, तकरीबन 1-1.5 महीने बाद हमें यहाँ पर आईपीएल 2022 के एडिशन की अब शुरुआत देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा मेगा ऑक्शन लगा था और आपके अकॉर्डिंग मेगा ऑक्शन की कौन सी सबसे बेस्ट बाई रही थी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती न्यू कैप्टन्स को लेकर। दरअसल ऑक्शन से पहले आरसीबी, पंजाब और यहाँ पर कोलकाता को नए कप्तानों की तलाश थी और ऑक्शन में इन टीमों ने अपने कप्तानों की कमियों को फुलफिल कर लिया, जहाँ पर मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि केकेआर की टीम अब यहाँ पर अय्यर को अपना कप्तान बनाएगी। आने वाले दिनों पर इस पर अनाउंसमेंट होगी। पंजाब की टीम मयंक अग्रवाल को ही कप्तानी सौंपेगी। शिखर धवन भी कप्तानी का विकल्प है, लेकिन मोस्ट लाइकली मयंक अग्रवाल को इस फ्रेंचाइजी कप्तानी मिलेगी। वही आरसीबी की तरफ से ये लग रहा है कि अब यहाँ पर फैब डुप्लेसी को यहाँ पर कैप्टनसी मिलेगी। इवन मैक्सवेल भी कैप्टेंसी के विकल्प है, लेकिन फैब डुप्लेसी को मोस्ट लाइकली यहां पर कैप्टेंसी मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन टीमों का ये सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, लेकिन मैं उससे पहले आपको मेरे फेवरेट ऐप माई इलेवन सर्किल के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल माई इलेवन सर्किल अब लखनऊ सुपर जायंट्स का यहां पर टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। आपको माई इलेवन सर्किल का लोगो इनकी जर्सी के आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा और हमारी तरफ से आपको माई इलेवन सर्किल पर आज एक बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा, जहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अगर आप माई इलेवन सर्किल डाउनलोड करके आज पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले की आप टीम बनाते हो, तो आपको या आपकी विनिंग का 5 गुना कैश मिलेगा। यानी आपको आज अगर आप 50 रुपए जीतते हो, तो हमारी तरफ से आपको 500 रुपए मिलेंगे। इवन आपको एंट्री बिल्कुल फ्री में रखी गई, आपको बिना कोई पैसे खर्च किए आपको फ्री एंट्री मिलेगी। इसके अलावा डाउनलोड करते ही आपको हमारी तरफ से 1500 रुपए भी फ्री में मिलेंगे और अब तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स के यहाँ पर स्पॉन्सर भी बन चुके हैं। तो आप माई इलेवन सर्किल फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप डाउनलोड कर ले। इसके साथ ही आज के मुकाबले की आप हमारी टीम भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो आप भी फटाफट अपनी टीम बना ले। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है यहाँ पर बड़े अनसोल्ड नामी प्लेयर्स को लेकर। दरअसल मेगा ऑक्शन में हमें कुछ प्लेयर्स यहाँ पर अनसोल्ड देखने को मिले, तो कुछ बड़े नामी प्लेयर्स यहाँ पर मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, जहाँ पर सुरेश रैना, स्टीवन स्मिथ, ओयन मॉर्गन और एरोन फिंच जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन थे, और यहाँ पर ओयन मॉर्गन जो कि पिछले साल केकेआर जो रनर अप रही थी उनके कैप्टन थे। तो कुल मिलाकर ये नामी प्लेयर्स यहाँ पर अनसोल्ड गए थे। इवन रैना जो एक समय में मिस्टर आईपीएल के नाम से जाने जाते थे, वो भी यहाँ पर मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। इसके अलावा यहाँ पर क्रिस लिन को और यहाँ पर श्रीशांत को किसी भी टीम ने सेलेक्ट नहीं किया था मेगा ऑक्शन में, इनका नाम भी नहीं आया था। तो कुल मिलाकर बड़े नामी प्लेयर्स के लिए ये मेगा ऑक्शन यहाँ पर किसी भी तरीके से सही नहीं गया है। हालांकि इन प्लेयर्स के पास मौका है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर ये प्लेयर शायद दोबारा से आईपीएल में आ जाए, दोबारा से इनको जगह मिल जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप इन प्लेयर्स में से कौन से प्लेयर को आखिर आईपीएल में दोबारा देखने चाहते हो। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो ये चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आईपीएल से बाहर होने वाले प्लेयर्स को लेकर। दरअसल आईपीएल की शुरुआत में अब भी लगभग 1.5 महीने का समय, लेकिन आईपीएल की शुरुआत से पहले ही अब यहाँ पर एक प्लेयर का नाम कन्फर्म हो चुका है, जो कि आईपीएल 2022 के एडिशन में अब उपलब्ध नहीं होगा। इवन यहाँ पर करोड़ों में बिकने के बाद भी उपलब्ध नहीं होगा। दरअसल एमआई की टीम ने कल 8.25 करोड़ में जोफ्रा आर्चर को परचेस किया था, लेकिन जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2022 के एडिशन के एक भी मुकाबले में उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन 2023 में ये सभी मुकाबलों में उपलब्ध होंगे। तो एमआई के
की तरफ से 2023 में हमें यहाँ पर बुमराह की और आर्चर की जोड़ी दिखेगी, लेकिन करंटली 2022 में अब आर्चर यहाँ पर एक भी मुकाबले में उपलब्ध नहीं होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एमआई की टीम का यहाँ पर आर्चर को इतनी एक्सपेंसिव प्राइस में खरीदने वाला सही फैसला था या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने अब डेविड वॉर्नर को वाइस कैप्टन बनाने का फैसला लिया, जहां पर इस टीम के हेड कोच पोंटिंग ने यह बताया कि यह फ्रेंचाइजी वॉर्नर को अब वाइस कैप्टन का पद देगी। तो डेविड वॉर्नर को अब इस फ्रेंचाइजी में वाइस कैप्टनसी यहां पर मिल चुकी है। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है स्टार स्पोर्ट्स की रेटिंग की तरफ। तो दरअसल स्टार स्पोर्ट्स ने यहाँ पर एक यहाँ पर रेटिंग कराई थी, जहाँ पर फैंस से वोट कराए थे कि यहाँ पर मेगा ऑक्शन में आखिर कौन से सबसे बेस्ट बाय रही है, कौन से प्लेयर पर आखिर सबसे बढ़िया पैसा लगा कर टीम ने परचेस किए। तो युजवेंद्र चहल की बाई को यहाँ पर सबसे बेस्ट बाई बताया गया। कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स ने केवल 6.5 करोड़ के आसपास युजवेंद्र चहल जैसे बड़े प्लेयर को परचेस किया था। इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स ने यहाँ पर सभी टीमों की प्लेइंग 11 के लिए भी यहाँ पर रेटिंग करी है। आज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आईपीएल 2022 के एडिशन के लिए सभी टीमों की आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, प्लेइंग 11 बताई जाएगी। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर आपको सभी टीमों की प्लेइंग 11 मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल एमआई की टीम ने यहां पर यह बताया कि ईशान किशन को इस टीम ने 15.25 करोड़ में परचेस किया, और इतने अमाउंट में परचेस करने के बाद इस टीम के ओनर आकाश अंबानी ने यह बताया कि यहां पर ईशान किशन को यह फ्रेंचाइजी फ्यूचर कैप्टन के रूप में देख रही है। 3-4 साल बाद जब रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे या फिर आईपीएल में वो उपलब्ध नहीं होंगे, तब ईशान किशन इस फ्रेंचाइजी को चलाएंगी। तो ईशान किशन को अब फ्यूचर कैप्टन के रूप में एमआई की टीम देखने लगी। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकलकर आती है वो भी आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल एमआई की टीम ने यहां पर एमआई की टीम के ओनर ने यह कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2022 के एडिशन में ईशान किशन इस टीम के ओपनर रहेंगे। रोहित शर्मा ईशान किशन ओपन करेंगे, जबकि टिम डेविड नंबर 6 पर और कायरन पोलार्ड नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे। तो कुल मिलाकर ओपनिंग स्लॉट में 2 विस्फोटक ओपनर और फिनिशिंग में 2 विस्फोटक फिनिशर हमें आईपीएल 2022 के एडिशन में अब खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एमआई की टीम आईपीएल 2022 के एडिशन में आखिर आईपीएल का छठा किताब जीत पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर फटाफट माय इलेवन सर्किल को डाउनलोड करके आप आज के मुकाबले की टीम बना ले। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।